जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक समनीयवाद, एमबी एक्ट, चलानी, ई चलानी, ट्रैफिक चलानी, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों सहित अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन द्वितीय शनिवार दिनांक 12 नवंबर 2022 को द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक और जो समनीयवाद, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत व जल बिल विवाद, सर्विस वादों, किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अमितोष वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को भी ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए जो है वेबसाइट vcourt.gov.in के माध्यम से आप अपने चालान का भुगतान कर निस्तारण करा सकते हैं।